अल्मोड़ा में फिर गहराया पेयजल संकट। एक ही बारिश में चरमरा गई पेयजल व्यवस्था। नलों से आ रहा गंदा बदबूदार पानी। कोसी बैराज में भारी गाद जमा। काम नहीं कर पा रहे हैं फिल्टर। नौले धारों में लग रही है पानी भरने वालों की भारी भीड़। नमस्कार, CNE TV में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी आज की अहम खबर अल्मोड़ा से है, जहां बीते दिनों हुई तेज बारिश के चलते पानी का संकट गहरा गया है। लोग घरों में गंदा मटमैला और बदबूदार पानी आने की भी शिकायत कर रहे हैं। बता दें कि 4 दिन पहले सोमेश्वर के चनोदा में तेज बारिश आने से कोसी नदी में भारी मलबा आ गया। अल्मोड़ा की प्यास बुझाने वाले कोसी बैराज में भारी मात्रा में गाद जमा होने से पंप व फिल्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण 2 दिन से अल्मोड़ा में पानी की सप्लाई भी ठप रही। अब फिल्टर के काम नहीं करने से नलों में गंदा बदबूदार और मटमैला पानी भी आने लगा है। प्यास बुझाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक जल स्रोत से पानी भर रहे हैं या नलों और धारों में पानी भरने के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। लोगों को 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद करीब 10 से 15 लीटर पानी उपलब्ध हो पा रहा है। यह समस्या कई मोहल्लों में देखी गई है। इस संबंध में हमने अधिशासी अभियंता जल संस्थान अरुण कुमार सैनी व स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत करी, तो आइए देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। जितना मलबा है और जितना मतलब गंदा सब कोसी में भर गया। कुछ इनकी ऐसी व्यवस्था है नहीं कि ये मलबा जो है नदी में ना जाए। अब क्या हो रहा है, कितना भी ये फिल्टर करें, कुछ पहले तो इनके पंप ही बंद हो गए हैं, पंप नहीं चल रहे। 2-3 दिन पानी की बिल्कुल परेशानी है। इस समय हम लोग जो है पार्किंग में बैठते हैं और हमें मालूम है कि यहाँ के होटलों में तक पानी नहीं है। टूरिस्ट इतना परेशान है कि मतलब कह रहे हैं कि वहाँ नहाने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जब होटलों में पानी की व्यवस्था नहीं है तो लोगों के घरों में कहाँ से होगी। और पूरे हम लोग परेशान, किराएदार परेशान है। अब पानी आ भी रहा है तो इतना गंदा आ रहा है कि मतलब समझ लो कि बीमारी होने की वो है, मतलब पानी वो बीमारी करने वाला पानी है। बदबू मार रहा है, गंदा आ रहा है, लेकिन क्या करें। अब नौलों में जाते हैं, नौलों में इतनी भीड़ है, टाइम किसके पास है। तो क्या करें, हम लोग तो घर में यूज के लिए बिस्लरी वाटर ले रहे हैं, क्योंकि भाई बीमार होने से अच्छा है तो हम सोच रहे हैं कि उसको, लेकिन हम तो चलो ले रहे हैं, अफोर्ड कर ले। गरीब आदमी क्या करेगा, अब उस पानी को पी के आदमी बीमार होगा, फिर हॉस्पिटल भरेंगे, फिर ये हो गया, आदमी मर गए, ये हो गया, ये वाली बात। बदन फटने से कोसी नदी में पूरा मलबा उसका आया। मलबा और जो निर्माण कार्यों की मिट्टी थी वो पानी में घुलने के कारण नदी में यहाँ बैराज पे हमारा कीचड़ जमा हो गया। हालांकि हमने कोशिश की कि बैराज से कीचड़ निकाल के और वाटर सप्लाई नॉर्मल की जाए, मगर पानी में इस तरह से घुल गई है मिट्टी कि उसको अलग करना संभव नहीं हो पा रहा है।